दोस्ती ये एक ऐसा नाता है जिसे निभाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आज हम पांच दोस्तों की एक ऐसी ही थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं, एक ऐसी रहस्यमय किताब जिसे पढ़ने के बाद पांच दोस्तों के साथ वैसी घटना होने लगती है जैसे कि उस किताब में लिखी थी। इन सभी लोगों के साथ खतरनाक घटनाएं होने लगती है जिसमें अब इनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। तो दोस्तों, क्या ये पांच दोस्त उस किताब के रहस्य को जानकर उससे बाहर निकल पाएंगे या फिर एक एक करके उन सभी की मौत हो जाएगी, यही देखेंगे हम आज की सुपर नेचुरल थ्रिलर कहानी में। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अलग है जो आपको जरूर पसंद आएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको साउथ के ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें 11वीं सदी की एक पुरानी कहानी के बारे में बताया जाता है। सोलन राज्य अपने दक्षिण क्षेत्र में बहुत ज्यादा फैल रहा था। उस जगह के आधे लोग पहाड़ों पर रहा करते थे, लेकिन उनमें से एक इंसान अपने आप को अलग देख रहा था। वो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए एक सफर पर निकल पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो बिना डरे अपने सफर को जारी रखता है। अब ऐसे ही एक दिन जब वो पहाड़ी इलाकों से गुजर रहा था तो वो चक्कर आकर गिर पड़ता है। तब वहाँ पर एक ऋषि मुनि उसकी मदद करते हैं और वो ऋषि उसे आदि से अंत तक की सारी विद्याएं सिखाते हैं। उसके बाद वो आदमी कई सारे देश महाद्वीपों को पार करता है, अलग अलग किताबें पढ़कर बहुत सारी कलाएं सीखता है और अब इतना सब कुछ पाने के बाद वो अपने मूल स्थान पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आकर वो पांच तत्वों का अभ्यास करके उनसे एक किताब की रचना करता है जो लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बता सके, जिसे पढ़ने के बाद लोगों को समझ आए कि जिंदगी जीने का असली तरीका क्या होता है। फिर वो उस किताब को एक साधारण आदमी को देकर शांति पाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ये किताब एक राजा को मिलती है। उस किताब के मिलने से एक निसंतान राजा को पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन एक दिन राजा को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और उसके बाद जब वो उस किताब को पढ़ता है तो आगे आने वाले विनाश के बारे में उसे पता चल जाता है। अब इस विनाश को रोकने के लिए राजा एक जंग छेड़ देता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सब कुछ उस किताब की वजह से ही हो रहा है, इसलिए कई लोग तो उस किताब को मिटाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो असफल हो जाते हैं। और जब राजा को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बेटे और पत्नी के साथ उस किताब को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देता है और दोस्तों यही से उस किताब का सफर शुरू होता है। अब उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हमारी मुलाकात कहानी के पहले किरदार दुष्यंत से होती है। दुष्यंत के बारे में बात करें तो वो एक ट्रैवलर है और फिलहाल वो इस खूबसूरत नेचर को एंजॉय करते हुए बैंगलोर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कहानी की दूसरी किरदार जीविका को। जीविका एक बहुत ही सीधी सादी और दूसरों को मदद करने वाली लड़की होती है और वो एक अनाथ आश्रम भी चलाती है। हम देखते हैं कि आज उसका बर्थडे है और सभी दोस्त मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जीविका अपने पिताजी को बताती है कि आज मैं बेंगलोर में जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारा सिंगिंग कॉन्सर्ट है। तो उसके पिताजी उसे 50,000 रुपए दे देते हैं, लेकिन जीविका उन पैसों को चैरिटी के लिए यूज करने वाली थी। खैर, अब उसके बाद हम मिलते हैं कहानी के तीसरे किरदार समीरा से। अब समीरा के बारे में बात करें तो वो एक डैशिंग न्यूज रिपोर्टर होती है। उसने बहुत ज्यादा रिसर्च करके डार्क वेब के जरिए कितनी लड़कियों को किडनैप किया गया है और उनमें से कितनी लड़कियों को मारा गया है, ये सारा डाटा उसने ढूंढ लिया था। लेकिन उसका मैनेजर इस न्यूज को पब्लिश करने से मना कर देता है, तो ये बात समीरा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो बिना परवाह किए उस न्यूज को रिलीज कर देती है और उस जॉब को भी छोड़ देती है और फिलहाल वो एक किताब लिखने पर काम कर रही है। जब वो अपनी कार में बैठकर कुछ सोच रही थी तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसे रॉक कॉन्सर्ट का इन्विटेशन कार्ड दे देता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि दुष्यंत भी उसी कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। हम उस कॉन्सर्ट में सिंगर एडन को देखते हैं और यही है हमारे कहानी का चौथा किरदार। एडन का एक सिंगिंग बैंड है और उसे यहाँ पर जीविका ने गाना गाने के लिए बुलाया था। अब एडन एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाता है जो कि सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। समीरा और दुष्यंत उस गाने की जीविका के सामने बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जीविका कहती है कि मैंने ही इस शो को ऑर्गेनाइज किया है, रुको मैं एडन को तुमसे मिलवाती हूँ। अब एडन भी वहाँ पर आता है और ये चारों लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम है धन्ना और यही हमारे कहानी का पांचवा किरदार। अब ये पांच लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अनजान होते हैं, लेकिन इस कॉन्सर्ट में उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब उसके बाद ये लोग कुछ खाने पीने के लिए एक होटल पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को बताने लगते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं। अब जीविका तो पहली बार ऐसे डिफरेंट लोगों से मिली थी, वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले।
अब दुष्यंत कहता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और आज तक लोगों ने जो जगह नहीं देखी है उन्हें खोजकर मैं दुनिया के सामने लाता हूँ। समीरा बताती है कि मैं एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिख रही हूँ और इससे पहले मैं एक न्यूज राइटर का काम करती थी। एडन बताता है कि मेरा एक बैंड है और सिंगिंग ही मेरा पैशन है। और अब यहाँ पर धन्ना बताता है कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा अमीर है इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मुझे कार चलाने का बहुत ज्यादा शौक है। अब थोड़ी बातें करने के बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब धन्ना दुष्यंत से कहता है कि ब्रो मुझे अपना फोन नंबर दो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। लेकिन दुष्यंत कहता है कि पिछले 8 साल से मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर ये सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि कोई भी इंसान आज की डेट में मोबाइल के बिना कैसे रह सकता है। खैर, अब जीविका कहती है कि देखो अब हम कब मिलेंगे इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए अभी हम एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो पहले तो सभी लोग मना करने लगते हैं कि उन्हें बहुत सारे काम हैं, लेकिन जीविका उन्हें किसी तरह से मना ही लेती है। वो कहते हैं कि एडन का अगला कॉन्सेप्ट 1-2 महीने बाद है, समीरा ने अपनी जॉब छोड़ दी है और दुष्यंत तो वैसे भी ट्रैवलर है, और रही बात धन्ना की तो उससे कुछ काम धंधा ही नहीं है, इसलिए यही सही मौका है कि हम कहीं साथ में घूमने चलते हैं। अब ये बात सुनकर समीरा जीविका को थोड़ा साइड में ले जाकर कहती है कि अरे हम लोग आज ही मिले हैं और तुम कैसे इन सभी लोगों के ऊपर विश्वास कर सकती है। जीविका कहती है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे अंदर से तुम लोग अच्छे लग रहे हो, तुम देखो इन लोगों को, ये लोग कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। समीरा कहती है कि मैंने पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया। जीविका कहती है कि हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, चलो भी अब मान जाओ। और फिर समीरा मान जाती है और वो तीनों लड़के भी इस ट्रिप के लिए मान जाते हैं। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं ये लोग जल्दी उठकर अपना सामान पैक कर लेते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में धन्ना अपनी जीप में इन सभी लोगों को बिठा लेता है और दुष्यंत अपनी बाइक पर बैठकर ये आगे का सफर तय करने लगते हैं। हम देखते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर ये लोग रुककर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब उसके बाद रात होने के बाद ये लोग एक होटल में रुकते हैं। अब होटल के बाहर आग जलाकर ये लोग उस जगह पर बैठकर एक दूसरे के बारे में और भी बातें जानने की कोशिश करते हैं। समीरा बताती है कि मैं डार्क वेब के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ और उसी के ऊपर मैं एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिख रही हूँ जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैल जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस डार्क वेब का शिकार होने से बच जाए। फिर जीविका धन्ना से पूछती है कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है। धन्ना बताता है कि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे मेरा पैशन मिला ही नहीं, लेकिन जब मैं कार चलाता हूँ ना तो मुझे अंदर से कुछ अलग ही महसूस होता है, उस वक्त को मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय करता हूँ। मेरे पिताजी तो मिलियनेयर है लेकिन वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि मैं एक भी काम ढंग से नहीं कर सकता। जिस पर दुष्यंत कहता है कि हम बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाते तो उसे हमें डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी बहुत बातें करने के बाद ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं और अब ये सभी लोग सोने के लिए जा रहे थे, लेकिन जीविका कहती है कि अरे रुको यार, अभी बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, हम लोग कुछ गेम खेल सकते हैं क्या, जैसे कि ट्रूथ और डेयर। लेकिन धन्ना कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ही पुराना गेम हो चुका है, हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो समीरा बताती है कि मेरे पास एक गेम है जिसे मैं बचपन में खेला करती थी, हम इस कमरे में रखे किसी भी किताब को उठाएंगे और उसमें से जो भी पन्ना आएगा उसे पढ़कर हमें फील करना होगा। अब ये सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था इसलिए सभी लोग गेम खेलने के लिए मान जाते हैं। फिर समीरा वहां पर रखी एक किताब को उठाती है जिसका नाम होता है पंचराक्षरम। अब पहले समीरा पढ़ने लगती है, उसमें लिखा होता है कि एक बहुत ही बड़े तूफान का सामना करने के बाद तुम नीले आसमान के नीचे एक पक्षी को देखोगी और वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। समीरा कहती है कि यह तो बहुत ही खतरनाक पहेली लग रही है। उसके बाद धन्ना पढ़ने लगता है, एकदम आजादी से घूमने वाले घोड़े को एक दिन पता चलता है कि सारी जिंदगी रथ खींचने का वक्त आ चुका है। ये पढ़कर धन्ना कहता है कि पक्का मेरे बाप ने इस लाइन को लिखा होगा, और सभी लोग हंसने लगते हैं। अब उसके बाद एडन की बारी आती है, वो पढ़ता है कि सारी जंगें जीतने के बाद राजा के सेनापति की मृत्यु हो जाएगी और फिर राजा को सेनापति का काम करना पड़ेगा। एडन कहता है कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये किताब तो बहुत ही निगेटिव है यार। तब समीरा कहती है कि लगता है इस किताब में एक नहीं बल्कि कई सारी कहानियां लिखी गई है। अब उसके बाद जीविका इस किताब को पढ़ने लगती है, उससे जो पन्ना मिलता है उसमें लिखा होता है कि साफ मन वाले इंसान को बुरे मन वाले इंसान से मुलाकात करने का वक्त आ चुका है, ये जमाना बुरे लोगों का है और उस पर तुम विश्वास करने लगोगी। जीविका कहती है कि ये किताब मुझे क्या कहना चाहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब उसके बाद दुष्यंत पढ़ने लगता है, कई सीमाओं को तोड़कर आकाश में उड़ने वाले पंछी को ये पता नहीं होता कि जब उसका पंख टूट जाएगा तो उसकी सीमाएं घोंसले में ही खत्म हो जाएगी। अब ये सुनकर दुष्यंत कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ट्रैवलिंग करना नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे ही फिर से एक और बार ये लोग बारी बारी उस किताब को पढ़ने लगते हैं
और फिर लास्ट में दुष्यंत जब पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि एक बच्चे के रूप में तुम्हारी शैतान के साथ मुलाकात होगी। अब ये सब कुछ देखने के बाद धन्ना कहता है कि ये बुक तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। ऐसा कहकर वो बाहर जाकर उस बुक को फेंक देता है। अब उसके अगले दिन ये अपने सफर को कंटिन्यू करने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आकर मर जाता है। ये देखकर जीविका तो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस किताब में जैसा लिखा था वैसा ही उनके साथ हो रहा था। फिर ये लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है। अब उसके बाद दोस्तों ये सभी लोग अपने अपने घर पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद हम देखते हैं कि एडन अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहाँ पर उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया खुशखबर है, तुम लोग बहुत ही जल्द कोक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने वाले हो। और ये बात सुनकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब मैनेजर वहाँ से जाने के बाद उस बैंड में गिटार बजाने वाला मेंबर एडन से कहता है कि अरे यार, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरे शरीर के लेफ्ट साइड में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ये बात सुनकर एडन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों के बाद कोक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करना है और उनके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इसलिए एडन उस मेंबर को आराम करने के लिए कहता है। यहाँ इस तरफ हम समीरा को देखते हैं। उसके भी घर में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगती है। वो जब फ्रिज के पास जाती है तभी ऊपर से एक बिल्ली उसके ऊपर गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो यही बात उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करती है। धन्ना तो इस बात को मजाक में ले लेता है, लेकिन जीविका थोड़ी घबरा जाती है और एडन कहता है कि तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है क्या। लेकिन अब दुष्यंत के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो इस मैसेज को पढ़ नहीं पाता। अब उसके कुछ दिनों बाद समीरा को अचानक से दुष्यंत का कॉल आता है। वो उसे कहते है कि ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है। दुष्यंत कहता है कि वो सब बातें छोड़ो, एक इमरजेंसी आ गई है, तुम ब्रोकन ब्रिज के पास तुरंत ही पहुंच जाओ, हम सभी लोग भी वहीं पर आ रहे हैं। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी लोग उस ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद सभी लोग समीरा को डांटने लगते हैं कि उसने वो किताब वाला गेम उन्हें क्यों बताया, क्योंकि उसी की वजह से अब उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। उस किताब में जैसा जैसा लिखा था वैसा ही उनके साथ हो रहा था। धन्ना बताता है कि मेरे पिताजी मुझसे कहा है कि एक हफ्ते के अंदर सारा बिजनेस संभाल लो, वरना ये घर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं कही थी। उसके बाद एडन बताता है कि मेरे ग्रुप में गिटार बजाने वाले मेंबर को हार्ट अटैक आ गया है और कुछ दिन के बाद जो कॉन्सर्ट होने वाला है उसमें तो वो मुख्य तौर पर गिटार बजाने वाला था और ये सब किताब में लिखा था वैसा ही हो रहा है। राजा का सेनापति एक अनजान बीमारी से मर जाता है और फिर राजा को सेनापति की जगह लेनी पड़ती है, वैसा ही यहाँ पर एडन के साथ हो रहा था। लेकिन तभी दुष्यंत कहता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, अगर वैसा होता तो अब तक मेरा पैर टूट चुका होता। तुम लोगों ने एक बात नोटिस की, समीरा के मैसेज पढ़ने के बाद ही तुम लोगों के साथ ये बुरी घटनाएं होने लगी और मैंने तो वो मैसेज नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तभी समीरा कहती है कि आई गॉट इट, दोस्तों ये सब कुछ हमारे दिमाग की वजह से हो रहा है, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरा वो बिल्ली वाला मैसेज पढ़ने के बाद तुम लोग भी डर गए और तुमने नेगेटिव सोचना शुरू किया, इसीलिए तुम लोगों के साथ वैसे ही घटनाएं हुई जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा डर था और इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब धन्ना कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं हमेशा से रेसर बनना चाहता था, तो फिर वैसा हुआ क्यों नहीं। समीरा कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन घर बैठे रहने से तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, इसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होगा जिसमें यूनिवर्स तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम चाहते हो, इसलिए अब से हमें उस किताब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एडन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ होने के बाद हम उस किताब के बारे में सोचने से खुद को कैसे रोकेंगे। जिस पर जीविका कहती है कि मेरा तो पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है, मुझे तो बस वही याद आता रहता है। तब दुष्यंत कहता है कि हमें कुछ मंथ के लिए अलग हो जाना चाहिए, हम सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो कोई भी उस किताब के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन धन्नो कहता है कि फिर हम मिलेंगे कब। समीरा कहते हैं कि अगर हमने मिलने का दिन फिक्स कर लिया तो हम उसी दिन के बारे में सोचते रहेंगे, इसलिए हमें इस बात को हमारे डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वक्त आएगा तब हम लोग मिल ही जाएंगे। और इस तरह से ना चाहते हुए भी इन पांच दोस्तों को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जीविका को कॉल आता है कि बच्चों को ले जा रही बस उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए बच्चों की मदद करने के लिए जीविका तुरंत वहां से जाने लगती है। बाहर आकर वो देखती है तो उसकी कार पंचर हो चुकी थी, इसलिए उसके पिताजी कैब बुक करते हैं। इधर हम समीरा को देखते हैं जो कि अपनी कहानी लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ठीक तरीके से सोच नहीं पा रही थी। उसके बाद हम एडन को देखते हैं जो कि खुद ही गिटार सीखना शुरू कर देता है और धन्ना कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करके खुद को प्रूव करने की ठान लेता है। अब जीविका कैब में बैठकर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक जख्मी आदमी दिखाई देता है।
वो कैब को रोककर उस जख्मी आदमी को अपनी कार के अंदर बिठा लेती है और उसे हॉस्पिटल ले जाने लेती है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये सारी घटनाएं इन लोगों के साथ एक ही टाइमलाइन पर चल रही होती है। अब यहाँ पर हम एक शॉकिंग चीज देखते हैं। जीविका जिस आदमी की मदद कर रही थी वो आदमी उस कैब ड्राइवर को मारकर जीविका को किडनैप करके ले जाने लगता है। अब ये देखकर जीविका बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इधर दुष्यंत एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बच्चा दिखाई देता है और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चोर आ जाते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने पीटने लगते हैं। यहाँ इस तरफ रेसिंग करते वक्त धन्ना का भी एक्सीडेंट हो जाता है और इधर समीरा को उसके घर पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। फिर जब वो ऊपर के कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही डरावनी आकृति दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इधर एडन जब गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है। उसके बाद रात हो जाती है और हम जीविका को देखते हैं। वो किडनैपर अभी तक उसे कार से कहीं पर ले जा रहा था, लेकिन तभी एक बंदा उनकी कार के सामने आकर उनकी कार को रोक देता है और इसका नाम होता है रॉकी। फिर रॉकी उस किडनैपर को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और जीविका को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में उन्हें एक चेक पोस्ट मिलता है। जीविका कहती है कि यहाँ पर पुलिस होगी, तुम कार को रोको, लेकिन रॉकी तो उल्टा उसके सर पर ही वार कर देता है, जिससे कि जीविका वहीं पर बेहोश हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये रॉकी एक साइको किलर है। अब उसके अगले दिन सुबह समीरा एडन की फेसबुक पर फोटो देखती है और उसे पता चलता है कि शॉक लगने की वजह से उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, इसलिए वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ उसी अस्पताल में धन्ना को भी एडमिट किया गया था क्योंकि कार रेसिंग करते वक्त उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। और धन्ना के पिताजी उसे देखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दुष्यंत भी वहाँ पर पहुँच जाता है। समीरा उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, एक दो दिन ट्रीटमेंट करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उसके बाद धन्ना पूछता है कि जीविका को किसने कॉल किया था क्या, तो समीरा कहती है कि हाँ किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसलिए दुष्यंत और समीरा जीविका के घर पर पहुँच जाते हैं और यह धन्ना को एडन का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। जीविका के घर पर पहुंचने के बाद उसके पिताजी बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो बताते हैं कि कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए उनकी मदद करने के लिए जीविका वहां पर गई थी, लेकिन अब तक वो घर पर नहीं लौटी है। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, आप लोग इसे ढूंढ कर लेकर आओ। तभी पुलिस बताते हैं कि जीविका जिस रास्ते से गई थी वहां पर अक्सर ऐसे किडनैपिंग के केसेस होते रहते हैं और हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ इस तरफ हॉस्पिटल में एडन का ट्रीटमेंट किया जाता है और अब उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। अब हॉस्पिटल में आने के बाद ये लोग धन्ना और एडन को बताते हैं कि जीविका का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये लोग तय करते हैं कि हम लोग जीविका को कैसे भी करके ढूंढ निकालेंगे। तभी दुष्यंत कहता है कि ये सारी चीजें उस किताब के पढ़ने के बाद शुरू हुई, इसलिए इसका सोल्यूशन हमें उस किताब के अंदर ही मिल सकता है, हमें उस किताब को ढूंढना होगा। तो समीरा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो किताब मेरे पास है। अब ये जानकर सभी लोग उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी उस किताब को अपने पास रखने की, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। समीरा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी, इसलिए मैं उस किताब को पढ़ने के लिए अपने साथ लेकर आ गई। खैर अब ये सभी लोग मिलकर फिर से उस किताब को पढ़ने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ वो साइको किलर रॉकी जीविका को एक गोडाउन के अंदर बंद कर देता है और वहाँ पर उसके जैसी और भी लड़कियां बंदी थी। रॉकी इन सभी लड़कियों को टॉर्चर करके उनकी वीडियो डार्क वेब पर लाइव चलाता था। वो लड़कियां जीविका को बताती है कि हमें कितने दिन हो गए, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी और पता नहीं देख पाएंगे या नहीं, ये साइको हमें एक एक करके मार डालेगा। और ये सुनकर जीविका बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समीरा उस किताब को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि सभी दोस्त बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपने सफर को दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन उनके अंदर दबाया हुआ राज चट्टान बनकर उनके सामने आता है। तो धन्ना कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपने अंदर किसी सीक्रेट को दबा कर रखा है। तो अब यहाँ पर पहले एडन बताता है कि 6 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड कैंसर की वजह से मर गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो मुझसे शादी करके ही मरे और उसके मरने के बाद मैं उसकी याद में गाना गाता हूँ, लेकिन आज भी मैं उस घटना से मुंह नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसके बाद दुष्यंत बताता है कि इससे पहले मैं बहुत ज्यादा ड्रग्स लिया करता था और इसी नशे के चक्कर में मैंने अपने बहुत ही खास दोस्त को खो दिया। उसके बाद मैं जैसे तैसे करके उस नशे से बाहर आया और अपने आप को संभाला, लेकिन मेरे दोस्त को खोने का गम मुझे आज भी परेशान करता है।
अब दोस्तों उसके बाद समीरा बताती है कि बचपन में ही उसके पापा गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने उसका ख्याल रखा, लेकिन अपने पति को खोने की वजह से उसकी माँ डिप्रेशन में चली गई और वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में रहने लगी जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भी इलाज नहीं है, जब इनकी मृत्यु होगी तभी इन्हें छुटकारा मिलेगा। तो समीरा को अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उसने खाने में जहर मिलाकर अपनी माँ को दे दिया ताकि उन्हें दर्द से मुक्ति मिल सके, और इसी घटना की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसके अंदर का गिल्ट उसे खाई जा रहा था, और इसीलिए दोस्तों हमने देखा था कि उसके घर पर भूतिया घटनाएं हो रही थी। उसके घर पर वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसने अपने माँ के साथ जो किया वही डर बनकर उसके सामने आ रहा था। अब यहाँ इस तरफ रॉकी जीविका के सामने एक लड़की को टॉर्चर करने लगता है। जीविका रॉकी से कहती है कि प्लीज उस लड़की को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, लेकिन रॉकी कहता है कि तुम इस बिल्ली को मार दो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। अब ना चाहते हुए भी जीविका को उस बिल्ली को मारना पड़ता है, लेकिन इतने में ही उस लड़की को भी शॉक देकर रॉकी उसे मार देता है, और ये देखकर जीविका को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ इस तरफ दुष्यंत उस किताब को पढ़ने लगता है कि राजा अपने सैनिकों को लेकर दुश्मन से लड़ने का फैसला करता है। दक्षिण दिशा की तरफ एक बहुत बड़े पहाड़ी के ऊपर जाकर उन्हें आगे का रास्ता मिलता है। तो दोस्तों अभी चारों दोस्त भी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर एक चट्टान पर 28 नंबर लिखा हुआ दिखाई देता है। अब उसके बाद लिखा होता है कि अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सब पर शासन करने वाले भगवान के मंदिर के राजा को दर्शन हुए। तो अब यहाँ इस तरफ ये सभी लोग मंदिर को ढूंढने लगते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। तो धन्ना और समीरा एक रास्ते की तरफ जाते हैं और दुष्यंत और एडन दूसरे रास्ते से। यहाँ इस तरफ गोडाउन में जिस जगह पर उस लड़कियों को बंदी बनाया गया था वहाँ पर उन लड़कियों को एक सुरंग मिल जाती है और वो रास्ता गोडाउन से बाहर की तरफ जाता था। अब यहाँ पर रात हो जाती है। समीरा और धन्ना को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो दोबारा से पीछे जाने का फैसला करते हैं, और पीछे जाते वक्त उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते की तरफ जाने पर उन्हें वहाँ पर एक गोडाउन दिखाई देता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम रॉकी को देखते हैं जो कि उस मरी हुई लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर आया हुआ था, और तभी यहाँ दूसरी तरफ से उस सुरंग से एक लड़की भाग जाती है। भागते भागते रास्ते में उस लड़की को एक पुलिस वाला मिलता है और वो उस पुलिस वाले को लेकर फिर से उस गोडाउन में आ जाती है ताकि उन बाकी की लड़कियों को बचा सके। लेकिन दोस्तों ये पुलिस वाला तो पहले से रॉकी के साथ मिला हुआ था। अब गोडाउन के पास आने के बाद उन्हें वहाँ पर धन्ना दिखाई देता है और पुलिस वाला धन्ना को धमकाते हुए कहता है कि नीचे बैठ जाओ। वो लड़की कहती है कि सर इस लड़के ने कुछ नहीं किया है, वो दूसरा लड़का है, आप इसे मत मारिए प्लीज। और तभी वहाँ पर धन्ना उस पुलिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर रॉकी आकर धन्ना को बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने लगता है। उसके बाद वो धन्ना को और उस लड़की को वहाँ पर बांध देता है। तभी उसे गोडाउन में कुछ और भी आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ पर समीरा को भी पकड़ लेता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि दुष्यंत और एडन किसी भी तरह से उस गोडाउन के पास पहुंच जाते हैं। धन्ना की गाड़ी को देखकर उन्हें यकीन होता है कि ये लोग अंदर ही गए होंगे। अब अंदर जाने के बाद उनका सामना रॉकी से होता है। हम देखते हैं कि रॉकी, दुष्यंत और एडन के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन रॉकी इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। इसी हाथापाई के अंदर दुष्यंत के पैर पर एक गोली लग जाती है और अब उसके बाद रॉकी धन्ना को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर एडन आकर एक बहुत बड़ी गन से रॉकी को शूट कर देता है और उस साइको किलर रॉकी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये सब लोग जीविका को और उन बाकी की लड़कियों को बाहर निकालते हैं। उसके बाद शहर के लोगों को न्यूज के जरिए बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने वाले साइको किलर रॉकी को मार दिया गया है। और दोस्तों कहानी के एंड में हम देखते हैं कि ये पांच दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दोस्ती से जीविका की जान बचाई थी। और दोस्तों जीविका ने भी बहुत ज्यादा बुराई देखी, लेकिन उसने अपने अंदर की अच्छाई को मिटने नहीं दिया और वो फिर से लोगों की मदद करने में लग गई। इस तरह से दोस्तों इन पांच दोस्तों को उस किताब के राज के बारे में पता चल जाता है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है, बस हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।